तो ये तिमाही थोड़ी कमजोर रह सकती है टाइटन के लिए, उसकी वजह भी है। आप पर अभी विनी बता रही थी कि फेस्टिव सीजन थोड़ा डिले हुआ, इस बीच अधिक मास भी आ गया जिसमें कि खरीदारी नहीं की जाती है, तो उसके चलते भी जो फेस्टिव सीजन का फायदा था वो इस क्वार्टर तो इतना नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले समय के लिए और क्वार्टर्स के लिए मैनेजमेंट की कॉमेंट्री क्या होती है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। विवेक से इस पर एक बार राय ले लेते हैं। माफ कीजिएगा विवेक, का टाइटन के नंबर्स क्या कुछ इंपॉर्टेंट रह सकता है नतीजों में, और आपकी नजर कहाँ होगी इस बार? लेकिन पूजा, पोस्ट कोविड क्या हुआ था कि लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम थोड़ा सा कम था। इसके लिए आप देखोगे कि जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है और टाइटन टाइप ऑफ कंपनीज है, ये थोड़ी सी स्लगिश चल रही थी परफॉर्मेंस वाइज, और उनके पास मतलब ये जो सेल्स नंबर्स वगैरह थोड़े से डल थे। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब वो सब पास्ट हो चुका है और जो लोग हैं वापस स्पेंडिंग पे आ गए हैं। तो अब ठीक है, ये अधिक मास वगैरह सब छोटा छोटा फेज होता है। अब दिवाली, न्यू ईयर, क्रिसमस, सारे एक के बाद एक फेस्टिवल्स आने वाले हैं, और मुझे लग रहा है कि ये कंपनी यहाँ से बहुत वापस एक परफॉर्मेंस दे सकती है। आउट परफॉर्मेंस तो आप आराम से हाई सिंगल हाई डबल डिजिट नंबर्स, मतलब समझ लीजिए कि 15 से लेके 18% कैगर अब भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो टाइटन के स्टॉक से। तो यहाँ से परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, पहली चीज। हाँ, इस क्वार्टर का रिजल्ट कैसे रहेगा ये तो देख के पता चलेगा, लेकिन अगले क्वार्टर जो दिसंबर क्वार्टर का है, क्योंकि पूरा फेस्टिवल फैक्टर इन हो जाएगा, वो अच्छे होने चाहिए। तो मैं पॉजिटिव हूँ टाइटन पे, और वापस ये एक लॉन्ग टर्म स्टॉक है। शॉर्ट टर्म में आपको हो सकता है कि 3-4% का रिटर्न मिल जाए, लेकिन लॉन्गर टर्म में आपको मैंने जैसे कहा 15 से लेके 18% कैगर आराम से मिल सकता है। नतीजे घोषित करेगी, और फेस्टिव सीजन के समय हम देखते हैं ये स्टॉक फोकस में भी रहता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मोमेंटम दिखाई देता है। कल भी नतीजों के पहले स्टॉक में करीब करीब 1% की तेज़ी थी, लेकिन आज नतीजे कैसे आ सकते हैं कंपनी के, ये बताने के लिए विनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विनी बताइए, टाइटन के नतीजों से क्या अनुमान है? तो यस, टाइटन के जो नंबर्स है ये टाइम हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड 20% की रेवेन्यू ग्रोथ आएगी। यहाँ पे मार्जिन में थोड़ी कंट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है, 12.32% पे मार्जिन है वर्सेस लास्ट ईयर 14% पे एक्सपेक्टेशन है, और प्रॉफिट्स म्यूटेड रहने वाले हैं ये टाइम अराउंड। अब मेनली डीले इन फेस्टिव सीजन था, ये क्वार्टर में अधिक मास भी आ रहा था, तो कंपनी ने अपने Q2 अपडेट में बताया था कि इसकी वजह से मे भी थोड़ा इम्पैक्ट आ रहा है कंपनी के लिए, और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं तो सिर्फ म्यूटेड ग्रोथ दिख रहा है, प्रॉफिट्स और मार्जिन में भी थोड़ी डिक्लाइन दिख रही है। मार्जिन को क्या इम्पैक्ट करें कि लास्ट उनका हाई बेस भी था, लास्ट टाइम भूलिए मत, तो यस वो भी है, और एक तो उनकी स्टडीड इन्वेंटरी गेन्स है वो अब नहीं है ड्यू टू दैट, और हायर कंज्यूमर एक्टिवेशंस है एंड प्रमोशंस है जिसकी थोड़ी इम्पैक्ट आ सकती है वहाँ पे। गए जो उनके ग्रोथ इंजन्स है जैसे वेरिएबल सेगमेंट, नेरा, कैरेट लेन, वहाँ पे अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कंपनी से, और उन्होंने Q2 अपडेट में भी ये बताया था, और उनके Q2 अपडेट में उन्होंने हाईलाइट किया था ज्वेलरी डिवीजन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड 19% की ग्रोथ होगी, वॉचेज में अराउंड 32% और 12% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है आई केयर बिजनेस में। ओवरऑल फैक्टर्स टू वॉच आउट फॉर क्या है, कॉमेंट्री क्या है या डिमांड आउटलुक पे, अभी फेस्टिवल सीजन चालू हो चुका है तो अभी क्या डिमांड में रिकवरी दिख रही है कि अभी भी सब्ड्यूडनेस है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। प्रोडक्ट मिक्स, स्टडेड रेशो, उनकी सेल्स कैसे बढ़ रही है और वॉल्यूम ग्रोथ क्या है कंपनी का, एसएसएच ग्रोथ क्या है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कंपनी के लिए वॉच आउट करने के लिए।